काला थ्रिप्स आमतौर पर फूल बनने की अवस्था पर बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, जिसकी वजह से पौधों से फूल गिर जाते हैं, इसलिए फल समय से नहीं बन पाते हैं। काला थ्रिप्स पौधों की कोमल पत्तियों और फूलों से रस चूसता है और इसे पत्तियों की निचली सतह पर आसानी से देखा जा सकता है। वयस्क फूल और निचली पत्तियों की सतह पर रहते हैं, जबकि लार्वा निचली पत्ती की सतह तक सीमित रहता है। इस तरह के संक्रमित पौधों में लंबी डंठलें दिखाई देती हैं और झुर्रियाँ दिखाई देती हैं, इसे चांदी की तरह देखा जा सकता है। थ्रिप्स के अटैक से पौधों की पत्तियां ऊपर की ओर मुड़ जाती हैं, कलियां भंगुर हो जाती हैं। इसकी रोकथाम के लिए इमिडाक्लोरबिट 17.8% एसएल 0.5 ml प्रति लीटर पानी या स्पेनोसेट 45% एससी 0.4 ml प्रति लीटर पानी या एलिका 0.5 ml प्रति लीटर पानी, जंप फिप्रोनिल 80% WG 0.3 ग्राम प्रति लीटर पानी, डाइमेथोएट 30% DC 2 ml प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें। धन्यवाद।